तो हेलोइन वेलकम अगेन दोस्तों। ग्लोबल स्टार शाहरुख खान 4 साल बाद जो सिनेमा इंडस्ट्री पर टूट के बरस रहे हैं उसकी भरपाई बॉक्स ऑफिस को करनी पड़ रही है, वो भी 100-100 करोड़ का हर्जाना देकर। जी हाँ दोस्तों, कल सेकंड संडे जो ऐतिहासिक रहा है जवान के लिए, भाई आग लगा दी मूवी ने। बाई गॉड, मतलब ऐसा पता था कि मूवी अच्छी ग्रोथ करके जाएगी सेकेंड संडे पर, लेकिन ऐसी फाड़ू ग्रोथ करके जाएगी ये नहीं पता था, इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, जवान ने कल पूरे 11 दिन कंप्लीट कर लिए हैं कल को, और आज 12वें दिन में फिर से रॉयल एंट्री मार ली है, और आज मंडे में भी सुपर कवर अप करते नजर आ रही है, क्योंकि मंडे वर्किंग डे होता है तो यहां थोड़ा ग्रोथ स्लो होते दिखेगी। और वर्किंग डे में भी, आज मंडे वर्किंग डे में भी सभी फिल्मों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन मैं मानता हूं कि असली अग्नि परीक्षा ये 5 दिन होती है, मंडे से फ्राइडे तक, क्योंकि ये फुल वर्किंग डेज होते हैं और मूवी वाकई में अच्छी है तो लोग टाइम निकाल कर जाते हैं देखने, और जब इन वर्किंग डेज से लगातार मोटी कमाई आती है या होती है तो उस मूवी का लेवल समझ में आता है कि वो कितना टच कर रही है पब्लिक को। तो यस दोस्तों, सेकेंड वीक स्टार्टिंग हो चुकी है और फर्स्ट डे आज शुरू से ही धमाका मचाते नजर आ रही है मूवी। तो आज बात करेंगे जवान ने अभी तक कितनी कमाई करी है, कल डे 11 का कैसा रहा पूरा दिन का सिनेरियो, आज डे 12 की ग्रोथ कैसी चल रही है मॉर्निंग से लेके नाइट तक, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है मूवी, पहले दिन कितनी कमाई करी, फर्स्ट वीक में कितनी कमाई करी, और अभी तक कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। डिटेल टू डिटेल एक एक कर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना अगर आप भी जवान मूवी से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट्स चाहते हैं और SRK के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे जिसमें से दीपिका, विजय थालापति और संजय दत्त जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे इन कैमियोज। इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट इज ऑल्सो अमेजिंग, 4 चांद लगाए हैं। बाय गॉड, नयनतारा जो सेकंड लीड में थी, उसके बाद सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी, सुनी ग्रोवर एंड विलेन, मैं अगेन कहूंगा विलेन सेतुपति, विजय सेतुपति इज सुपर अमेजिंग, सुपर फैंटास्टिक, अगला बंदा ये भारी पड़ रहा है पूरे SRK मल्टीपल SRK रोल्स पर। कंटेंट इज सुपर अमेजिंग, स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक, सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है। तो ज्यादा मगजमारी ना करते हुए सीधे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे। पहले दिन कैसी कमाई रही, ह्यूज कलेक्शन रहा, सिर्फ हिंदी से हिस्टोरिकल कलेक्शन 65.5 करोड़ का रहा और इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 74 करोड़ का रहा था, और पूरी दुनिया से पहले दिन में 130 करोड़ का रहा था। इसी के साथ दूसरे दिन भी कमाई अच्छी खासी करी और पहले 3 दिन में मूवी ने नेट इंडियन कलेक्शन 200 करोड़ को टच कर लिया था, और पहले 3 दिन में ही कलेक्शन पूरी दुनिया से 385 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था। बात करें डे 4 यानी फर्स्ट संडे में कैसी ग्रोथ रही, आग फाड़ ग्रोथ रही, अभी तक की सबसे बड़ी हिंदी कलेक्शन सिर्फ संडे से आई है, लगभग 71 करोड़ की कमाई, जो आज तक सिंगल डे में किसी भी मूवी ने कलेक्शन नहीं कर पाया, ना कि पैन इंडिया, ना हॉलीवुड, ना बॉलीवुड, ना एवेंजर्स एंड गेम ने, ना बाहुबली 2 ने, किसी ने भी हिंदी से सिंगल डे में इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं करी है। इसी के साथ पूरी दुनिया से डे 4 में संडे को कमाए थे 135 करोड़ रुपए और पहले 4 दिन में पूरी दुनिया से 520 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था मूवी ने, ह्यूज कलेक्शन, आई सेड ह्यूज कलेक्शन। इसी के साथ 5वें और 6ठे दिन में भी अच्छा खासा कलेक्शन किया सिर्फ हिंदी से, 6 ही दिन में, पहले 6 दिन में मूवी ने 306 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, नंबर 1 मूवी बनकर उभरी जिसने सिर्फ हिंदी से मात्र 6 दिन में 300 करोड़ आंकड़े को टच किया, जबकि बहुत सी मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन भी 300 करोड़ नहीं हो पाता है, 200 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ में ही सिमट कर रह जाती है बहुत सी बॉलीवुड मूवी, हिंदी मूवी। इसी के साथ पहला हफ्ता शानदार कंप्लीट करके पहले 7 दिन में सिर्फ हिंदी से कमाई हुई थी 327 करोड़ और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन फर्स्ट वीक में एंड होते होते 368.55 करोड़, इट मींस 369 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। इसी के साथ पूरी दुनिया से फर्स्ट वीक में मूवी ने एंड ऑफ द वीक तक 660 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था, और यहां तक पद्मावत और धूम 3 के भी रिकॉर्ड को बीट डाउन कर चुकी थी मूवी। इसी के साथ सेकंड वीक की शुरुआत जबरदस्त करी और डे 8 में हिंदी से कमाई करी थी मूवी ने 17.25 करोड़ और इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 8 ही दिनों में 346 करोड़ की कमाई करी और ऑल इंडिया नेट से पहले 8 दिन में 386 करोड़ की कमाई करी थी और पूरी दुनिया से पहले 8 दिन में 697 करोड़ के ह्यूज कलेक्शन को अपने खाते में रख लिया था।
बात करेंगे डे नाइन में कैसे रही। सिर्फ हिंदी से 18.10 करोड़ की कमाई करी और पहले 9 दिन में ही 366 करोड़ सिर्फ हिंदी से किया। पहले 9 दिन में ऑल इंडिया नेट से 410 करोड़ की कमाई करी और टोटल अभी तक कितनी कमाई कर ली थी पूरी दुनिया से मूवी ने, पहले 9 दिन में 735 करोड़ के कलेक्शन को टच कर लिया था। अगेन ह्यूज कलेक्शन। इसी का 10वें दिन की बात करें, सिर्फ हिंदी से 30 करोड़ का कलेक्शन और नेट इंडिया कलेक्शन से 32 करोड़ का कलेक्शन किया और क्रॉस कलेक्शन 40 करोड़ का रहा था अपने 10वें दिन में और ओवरसीज से 10वें दिन में 37 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन रहा था, जिसने पठान के फर्स्ट डे के कलेक्शन रिकॉर्ड को भी मैचअप किया था, बीट डाउन कर दिया था सिर्फ ओवरसीज से 10वें दिन के कलेक्शन के मामले में जवान के। इसी के साथ पहले 10 दिन में सिर्फ हिंदी से 396 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था, मतलब टच कर लिया था और ऑल इंडिया नेट से पहले 10 दिन में 442 करोड़ के कलेक्शन कर लिया था और ऑल इंडिया ग्रॉस से पहले 10 दिन में 510 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था। पूरी दुनिया से पहले 10 दिन में 798 करोड़ के ह्यूज कलेक्शन को अपने खाते में रख लिया था। मात्र 2 करोड़ कम रह गए थे 10वें दिन में 800 करोड़ कंप्लीट करने में। इसी के साथ बात करें कल यानी सेकेंड संडे की, यानी 11वें दिन कैसी ग्रोथ रही, आंख फाड़ ग्रोथ रही। संडे का फुल फायदा उठाया मूवी ने, सिर्फ हिंदी से 32 करोड़ की कमाई करी और ऑल इंडिया नेट से कलेक्शन 34 करोड़ का रहा था। ग्रॉस कलेक्शन 45 करोड़ कमाती दिखी थी और 11वें दिन में 428 करोड़ का कलेक्शन मूवी अपने खाते में लाते दिखी थी सिर्फ हिंदी से पहले 11 दिन में एंड ऑफ द संडे। और पहले 11 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन 476 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आई थी कल एंड ऑफ द डे तक। इसी के साथ ग्रॉस पहले 11 दिन का रहा है 554 करोड़ एंड ऑफ द डे पहले 11 दिन का। इसी के साथ पूरी दुनिया से मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 865 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आई थी। तो पहले 11 दिन में ही मूवी ने दंगल को छोड़कर बाकी बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवी के सारे रिकॉर्ड को खदेड़ दिया था, लाइक वॉर, सुल्तान, बजरंगी भाईजान, चेन्नई एक्सप्रेस एक्सेट्रा। इसी के साथ हिंदी कलेक्शन के मामले में KGF 2 और RRR के भी रिकॉर्ड को खदेड़ दिया था। ग्लोबल स्टार शाहरुख खान पूरी दुनिया से हिंदी मूवी के इकलौते स्टार हैं जो 2 बार 1000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेंगे और सिर्फ हिंदी से इतनी बड़ी बड़ी कलेक्शन ये अकेले करते दिखे हैं इस टाइम पर 2023 में। इसी के साथ डंकी मूवी से ये 2000 करोड़ भी क्रॉस करने वाले हैं एंड ऑफ दिस ईयर। बात करें आज यानी 12वें दिन में कैसी ग्रोथ है, तो यस आज तो रिकॉर्ड फाड़ ग्रोथ चल रही है। हालांकि सेकेंड मंडे है, फुल वर्किंग डे भी है। जी हाँ दोस्तों, फुल डे ओवरऑल की 20% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इवनिंग से लेकर नाइट तक हाउसफुल बैनर के साथ कुछ कुछ जगह ट्रेंड कर रही है और आज एडवांस से 2 करोड़ का कलेक्शन करते दिखी मूवी और एंड ऑफ द डे तक इंडियन नेट से 13 करोड़ तक का कलेक्शन देखने को मिलेगा। इसी के साथ पहले 12 ही दिनों में आज मूवी एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 488 करोड़ की कलम में मार लेगी एंट्री और आज भी पहले 12वें दिन में ओवरसीज से पहले तो आज 12वें दिन में सिर्फ ओवरसीज से 25 करोड़ की कमाई करती दिख रही है और पूरी दुनिया से पहले 12 दिन में ही 890 करोड़ के आंकड़े में शामिल हो जाएगी। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आप लोगों को क्या लगता है कि अब मूवी 1000 करोड़ कब क्रॉस कर जाएगी? क्या इस थर्सडे तक मूवी 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी या संडे आते आते मूवी 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी? ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। और लाइफ टाइम कलेक्शन, मैं फिर कह रहा हूँ, लाइफ टाइम कलेक्शन मूवी अब कितना कर सकती है आप लोगों के हिसाब से? क्या मूवी 1400 करोड़ कमा सकती है या 1500 करोड़ टच करेगी या फिर 1600 करोड़ या फिर बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी एक बार के लिए खदेड़ सकती है 1800 करोड़ को? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्म के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।